दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने गूगल प्लस के क्लास वर्क कैसे अपलोड करते हैं, कैसे कॉपी चेक करते हैं और किस प्रकार से उसे रिटर्न करते हैं, ये सब बताऊंगी। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, गूगल खोलते हैं। इस प्रकार से हम गूगल ओपन करेंगे। ये आपका गूगल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप जाके टाइप करेंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव टाइप करके डायरेक्ट साइन इन कर लेंगे। यदि आपका खुला हुआ है तो ये डायरेक्ट साइन इन हो जाएगा, नहीं तो पासवर्ड डालकर आप इसे साइन इन कर सकते हैं। अब ये देखिए, गूगल ड्राइव हमारे सामने खुल गया है। अब यहाँ पे गूगल ड्राइव का साइन इन का ऑप्शन आया है, हम इसे क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमारा गूगल क्लासरूम खुल गया है। अब इसका एक दूसरा भी हम मेथड बता देते हैं आप लोगों को, चलिए देखते हैं। अब डायरेक्ट गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद आप डायरेक्ट मेल खोलिएगा अपना। मेल खोलने के बाद जैसे आपका मेल पूरी तरह से खुल जाए, आप कॉर्नर में देखिएगा ये आपका बटन है, इसको क्लिक करिएगा और यहाँ पर जाके डायरेक्ट देखिएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद कि क्लासरूम का आइकन मिलेगा, आप इसे क्लिक करके खोल लेंगे। तो ये हमारा दो मेथड हो गया क्लासरूम को खोलने का। अब हम यहाँ पे देखिए, जैसे एक क्लास बना हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ गूगल क्लासरूम पे जाएंगे। वहाँ पे ट्वेल्थ कॉमर्स का ऑप्शन है, जो हमने क्लास पहले से क्रिएट किया हुआ है, उसे खोलेंगे और यहाँ पे देखिए आपको सारे क्लासेस की कॉपी मिल जाएगी। और यहाँ पे आप क्लास वर्क में जाके फिर कोई भी कॉपी क्वेश्चन सबमिट है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 स्टूडेंट ने कॉपी को असाइन किया है और यहाँ पे 9 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो किसी भी एक कॉपी को खोलेंगे। अब देखिए, ये चेकिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये चेक किया गया है, मार्क्स दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, आपके सारे बटन है, ये डिक्शनरी है, टेक्स्ट स्पीच है, मार्कअप है, कमेंट लिखने के लिए है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेड दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, 100 में भी कर सकते हैं, यहाँ पे 25 में किया। यहाँ पे कुछ प्राइवेट कमेंट आप लिख सकते हैं। अब ये हमारे मार्कर कहाँ से आएगा, तो यहाँ ड्राइंग में जाएंगे। ड्राइंग में जाने के बाद हम सीधे क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए, ये आपका मार्कर इस तरीके से काम करेगा। ये देखिए, फिर इस तरीके से आप इसमें राउंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें राउंड कर सकते हैं। और यहाँ पर इरेजर है, देखिए जैसे ये इरेजर को आप क्लिक करेंगे तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। यहाँ से सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, अगर आपके कंप्यूटर में सिग्नेचर ऑलरेडी है तो वहाँ से अपलोड करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये आपका मेथड हो गया कॉपी चेक करने का। अब यहाँ से आप रिटर्न को क्लिक करके कॉपी को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये आपका गूगल प्लस पे किस प्रकार से हम कॉपी चेक करेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ से यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स के नेम मिल जाएंगे, जितने भी आपने कॉपी असाइन हुई है, चेक आपने चेकिंग की है। यहाँ पे देखिए, इतने सारे कॉपी असाइन हुए हैं, तो यहाँ पे इतने सारे नेम हैं जिसके पास 25 लिखा हुआ है और ये सारे कॉपी टर्न इन नहीं हुए हैं, यानी कि सिर्फ 7 कॉपी टर्न इन हुए हैं।
तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में जाके देखेंगे, स्टूडेंट्स वर्क है ये, कि क्या क्या हमारा स्टूडेंट। यहाँ पे आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में कमेंट दे सकते हैं। स्टूडेंट वर्क में जाकर हम देखेंगे कि क्या क्या स्टूडेंट ने सबमिट किया है। तो ये इस प्रकार से गूगल क्लासरूम का वर्क है। एक बार फिर से देखेंगे कि सबसे पहले क्लास में जाएंगे, जितने भी क्लास आपने क्लासेस क्रिएट किए हैं, उसके बाद क्लास वर्क में जाएंगे, पीपल देखेंगे, पीपल में कितने लोग असाइन किए हुए हैं, और उसके बाद फिर हम ग्रेड देखेंगे। ग्रेड में जाकर हमारे टोटल स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। यूनिट टेस्ट है तो यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन अपलोड हुए हैं तो वो आ जाएंगे, प्रैक्टिकल पेपर के क्वेश्चन अपलोड हुए हैं तो वो आ जाएंगे। मतलब जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों ने अपलोड किया है, यू विल गेट इमीडिएटली। नाउ दिस इज स्ट्रीम, एंड इफ एनीबॉडी विल अपलोड द क्वेश्चन इन स्ट्रीम देन यू कैन ऑल्सो चेक, बट यू विल हैव सम प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपलोड द पेपर इन क्लास वर्क, इट विल बी रिटर्निंग प्रोसेस इज वेरी गुड। सो नाउ दिस इज ओवर, एंड यू कैन सी हियर द पीपल, हियर क्लास वर्क, हियर स्ट्रीम, एंड हियर ग्रेड। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि अन्य टीचर्स या स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसके लिए हेल्प। धन्यवाद।